नमस्कार सिमरन, आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। नजर डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। राजधानी लखनऊ में बॉलीवुड एक्टर और समाज सेवी शबाब हाशिम ने बेटी मायरा के जन्मदिन के मौके पर गरीबों में कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए। बेटी मायरा के 8वें जन्मदिन पर शहर के अलग अलग इलाकों में कंबल बांटे गए। इसके अलावा बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज ने भी मायरा को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी। आपको बता दें कि मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट हर साल मायरा के जन्मदिन पर गरीबों में कंबल बांटने का काम करती है। इसी के अलावा मायरा फाउंडेशन लगातार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही है। लखनऊ के ग्रामीण इलाके मलियाबाद में पुलिस ने शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां कसमंडी चौराहे पर देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चेकिंग की गई। इस दौरान गलत तरीके से शराब बेचने और दुकान के बाहर भीड़ लगाने जैसी हिदायत दी गई। सुल्तानपुर के धम्मौर थाना प्रभारी श्याम सुंदर द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर स्कूली बच्चों की मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई, जहां हनुमंत इंटर कॉलेज के बच्चों ने प्रिंसिपल धर्मेंद्र उपाध्याय की अगुवाई में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरदोई में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत संडीला में स्कूली बच्चों की मानव श्रृंखला बनाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई। इस दौरान संडीला एसडीएम, प्रभारी निरीक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। अमरोहा में पुलिस ने ट्रक चालक की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पत्नी ने गैस संचालक प्रेमी के साथ मिलकर ट्रक चालक पति की हत्या कराई थी। हरदोई के संडीला स्थित संत कृपाल नगर आश्रम के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किए गए देवेंद्र मोहन ने अनुयायियों के साथ तहसील पहुंचकर एसडीएम से आश्रम को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। इसी के अलावा धार्मिक कार्यों में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। वहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे लड़ाई लड़ने की बात कही। औरैया के विधुना पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूट का माल और अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है। फिरोजाबाद के टूंडला में शनिदेव मंदिर पर विशाल भंडारे के साथ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने कवि सम्मेलन का भरपूर लुफ्त उठाया। इस दौरान हरिओम प्रकाश आचार्य ने कहा कि साहित्यिक कार्यक्रमों से समाज को प्रेरणा मिलती है। हरदोई के संडीला कोतवाली में सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कोतवाल डीके सिंह ने कोतवाली की बंजर जमीन को उपजाऊ और पौधारोपण, ऑर्गेनिक खेती, मंदिर का रिस्टोरेशन जैसे कई कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। प्रतापगढ़ में दिखी राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का रेस्क्यू किया गया। बता दें कि डॉल्फिन की जान को खतरा भांपते हुए वन विभाग ने लखनऊ से विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय रेस्क्यू टीम बुलाई थी। दिन निकलते ही डॉल्फिन को पकड़ने की मशक्कत शुरू हुई। वहीं 2 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने नहर में जाल डालकर डॉल्फिन का रेस्क्यू किया। फर्रुखाबाद में एक युवक को पत्नी से चाय मांगना महंगा पड़ गया। पति के चाय मांगने के कहने पर गुस्साई पत्नी ने पति पर चाकू से हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल पति को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कन्नौज के सौरिखा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया। राजपुर गांव में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक किसान खेत में शौच के लिए गया था। वहीं लाश मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया है। फर्रुखाबाद में जहर खुरानी गिरोह का आतंक लगातार जारी है, जहां बीते 24 घंटे में रोडवेज बसों में 3 युवकों को जहर खुरानी का शिकार बनाया गया और पीड़ितों से नकदी, फोन और सारा सामान लूट लिया गया। प्रतापगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका की बेवफाई से तंग आकर अपनी जान दे दी। वहीं इससे पहले प्रेमी ने वीडियो बनाकर प्रेमिका को सजा दिलाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस मोबाइल से मिले वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। फिरोजाबाद में गृह मंत्रालय के अधीन सिविल डिफेंस के नाम पर युवाओं और युवतियों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां युवाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि फोर्स के नाम पर उनसे मोटी रकम ऐंठ ली गई है और 3 से 4 महीने तक बिना वेतन के नौकरी कराई गई, लेकिन जब वेतन की मांग करने पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सीतापुर के मौनी अमावस्या के मौके पर श्रीराम घाट पर मेला व भंडारे का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और मंदिर में दर्शन किए। फिरोजाबाद में टूंडला इलाके में पुलिस ने वाहन चालकों के साथ संगोष्ठी आयोजित की, जहां वाहन चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई, उन्हें जागरूक भी किया गया। जालौन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सड़क सुरक्षा के तहत मानव श्रृंखला बना लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया, लेकिन इस दौरान यातायात नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पर अधिक सवारी रोक के बावजूद स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डाली गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवाद बयान को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने आलमबाग थाने में स्वामी प्रसाद पर कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दी। नए साल के चौथे कारोबारी हफ्ते का पहला दिन सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है, जहां सोना 588 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 388 रुपये प्रति किलो की दर से महंगी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें माय भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल।
जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।